Welcome all the students in the part 4 of this chapter, that is physical quantities and measurement. Part 1, part 2 and part 3, these parts are already covered. The link will be given in the description. If you have not watched that part 1, part 2 and part 3, you may go there in the description, click over the link and watch the part 1, 2 and 3. पार्ट वन इस चैप्टर को समझने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट वन में कंप्लीट बेसिक को डिस्कस किया गया है मेजरमेंट से रिलेटेड। इस वीडियो में पार्ट 4 दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम टाइम से रिलेटेड कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द टाइम, हाउ कैन वी मेजर द टाइम एंड व्हाट आर द डिवाइसेस टू मेजर द टाइम, इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, एक्चुअली में टाइम क्या होता है, व्हाट इज द टाइम। सपोज दैट दिस इज एन इवेंट ए एंड दिस इज एन इवेंट बी। ये दो इवेंट हुए, दो घटनाएं हुई और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहा होगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं टाइम से। उस गैप को टाइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन दे सकते हैं, टाइम इज द एलैप्स पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स। टाइम एक एलैप्स पीरियड है जो पास्ट हो चुका है, वो पीरियड है जिसको हम टाइम बोलते हैं दो इवेंट्स के बीच का। टाइम इज अ फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, दैट द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे लेंथ को मेजर किया जाता है, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मास को मेजर किया जाता है, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड, दैट्स वाई टाइम इज ऑल्सो द फिजिकल क्वांटिटी। सो द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम की सेकेंड होती है, बिगर यूनिट आर, डे, मंथ, ईयर एक्सेट्रा, काफ़ी सारी यूनिट्स होती है। टाइम से रिलेटेड एक टॉपिक होता है, एक डेफिनेशन है जिसको सोलर डे कहा जाता है। जनरली आप जानते हैं हमारा जो दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है, इसी को हम सोलर डे कहते हैं। बट इट इज़ नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट। एक्चुअल मेजरमेंट होता है आपका 24.00006 × 0 and 6 hours। दिस इज द सोलर डे। सोलर डे का जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम होता है 24 hours, 24.00006 hours। दिस इज द सोलर डे। क्वेश्चन कभी पूछ ले सोलर डे क्या होता है तो आप बता सकते हैं। ओके, कि टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। जो अर्थ होता है, अर्थ होती है, अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, जो 24 आवर्स में चक्कर लगा लेती है। एक्चुअली टाइम ये होता है 24 आवर्स, थोड़ा सा ज़्यादा। नाउ व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द टाइम। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। How to measure the time and what are the instruments to measure the time? So time measuring instruments different होते हैं। देखते हैं कि पहले modern time पर, पहले ancient time पर, आज modern time पर अलग अलग devices को use किया जाता है। modern time में देखा जाए pendulum clock use की जाती है time measure करने के लिए, watch use की जाती है and stop watch use की जाती है। सब कैसे कैसे इनका use होता है इनको हम one by one discuss करेंगे। एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट इंस्ट्रूमेंट चलते थे सेंड क्लॉक, सनडायल, वाटर क्लॉक। इनसे एक्यूरेट टाइम मेजर नहीं होता था, एक थोड़ा सा अजम्पशन किया जाता था, एक अंदाज़ा लगाया जाता था टाइम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंडुलम क्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पेंडुलम क्लॉक। तो पेंडुलम क्लॉक से हमें स्टार्ट करते हैं टाइम को मेजर करना। पेंडुलम क्लॉक समझने से पहले थोड़ा सा हमें पेंडुलम के बारे में समझना होगा कि पेंडुलम क्या होता है। तो एक सिंपल पेंडुलम जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो पेरियोडिक मोशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। सर पेरियोडिक मोशन क्या होता है, तो सपोज दैट इस तरीके से हमने इस एक पेंडुलम को एक बॉब, एक स्ट्रिंग से हमने एक बॉब को बांध के रखा। इसको बॉब कहा जाता है, मेटेलिक बॉल होती है ये, नॉन मेटेलिक मोस्टली रहती है। ये बॉब जब टू एंड फ्रो मोशन करता है इस तरीके से, ये अपनी मीन पोजिशन है,
जिसको सेंट्रल पोजीशन भी कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन इस तरीके से करता है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर जाता है एंड एक्सट्रीम राइट पर जाता है। तो ये जो रोटेशन इसका, ये जो इसका मूवमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्किलेशन कहते हैं। दिस मूवमेंट इज नोन एज द ऑस्किलेशन। सो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज नोन एज ऑस्किलेशन। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसको हम पेंडुलम बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होती है और इधर की एक्सट्रीम पोजीशन होती है। अगर हम इसको लेफ्ट माने, इसको राइट माने, तो ये हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाता है और ये एक्सट्रीम राइट हो जाता है, और ये बीच वाला पोजीशन जो होता है वो मीन पोजीशन होती है। ये हमारा पेंडुलम है। तो पेंडुलम में ये जो घूमता है, टू एंड फ्रो जो मोशन करता है, इसी मोशन को हम लोग क्या करते हैं, पेरियोडिक मोशन कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ टर्म्स एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट राउंड। सपोज यहाँ से अगर हम काउंट करना शुरू करें, तो इधर से इधर जाए और वापस यहाँ आ जाए, तो एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए, कंप्लीट ऑस्किलेशन टू एंड फ्रो मूवमेंट होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। एक और चीज़ होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे देख लें या फिर एक्सट्रीम राइट पे देख लें, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको सिंपल पेंडुलम कहा जाता है, और इसी सिंपल पेंडुलम को इन्वॉल्व किया जाता है काय में, वॉच में। ये हमारा सिंपल पेंडुलम वॉच है, पेंडुलम वॉच इसको कहा जाता है, पेंडुलम क्लॉक। इस तरीके से पेंडुलम लगा हुआ है, और इस क्लॉक को आप देख रहे हैं, दिस इज मिनट एंड एंड आर एंड। ओके, तो ये पेंडुलम क्लॉक जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो ओवर द ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ओके, एंड पेरियोडिक मोशन। चलिए, तो ये हमारी हमारा डिस्कशन हो जाता है हमारा किसका, पेंडुलम क्लॉक का। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वॉच। अभी वॉच को हमने देखा, एक डिजिटल वॉच होती है और एक हमारी होती है एनालॉग वॉच, डिजिटल एंड एनालॉग वॉच। डिजिटल मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रॉनिकली इस तरीके से हमें डिस्प्ले हो जाता है टाइम, लेकिन जो एनालॉग होती है उसमें निडल के हैंड से, निडल से हमें टाइम डिस्प्ले होता है। तो वॉच एक ऐसा डिवाइस है जो कि दूसरे क्लॉक के जैसा ही है, विच इज यूज टू मेजर द टाइम। क्या क्या है, आर हैंड है, मिनट हैंड है एंड सेकेंड हैंड है। इंटरनल इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, और उस स्प्रिंग की वजह से हमें इन का जो निडल्स होती है, इन निडल्स की प्रॉपर कंट्रोल की वजह से हमें इसका एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है। सो सिंपली हम कह सकते हैं वॉच इज अ डिवाइस टू मेजर द टाइम। इसमें आर हैंड होती है, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड की हैंड्स होती हैं, एक स्प्रिंग से ये हैंड्स को कंट्रोल किया जाता है एंड देन टाइम शो होता रहता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक, दोनों एक जैसी है। स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच साइज में छोटी होती है, माइक्रो टाइम को मेजर करा करती है, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड को मेजर करा देती है। ये स्टॉप क्लॉक होती है, साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है। तो स्टॉप वॉच एक ऐसा डिवाइस है यूज टू मेजर द टाइम ड्यूरेशन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब होता है सेकेंड के कई टुकड़ों में मेजर करा देती है टाइम को। एथलीट्स वगैरह स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में इसका यूज किया जाता है। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है और उस एक्टिविटी का हमें एक्यूरेट टाइम चाहिए होता है, तो हम लोग स्टॉप वॉच का यूज कर लेते हैं। सिमिलरली स्टॉप वॉच के जैसा स्टॉप क्लॉक होता है, और स्टॉप क्लॉक भी स्टॉप वॉच के प्रिंसिपल पर ही काम करती है, बट इसकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और ब्रीफ ब्रीफ टाइम को मेजर करती है। स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक, स्टॉप क्लॉक जनरली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज में, लेबोरेटरीज में देखने को मिलती है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में देखने को मिलती है। तो उसमें एक छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है कि स्टॉप वॉच साइज में छोटी होती है और स्टॉप क्लॉक साइज में थोड़ी बड़ी होती है। आई होप ये सभी थ्री हमने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरिंग द टाइम। अब हम देखते हैं कुछ एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स रहे होंगे टाइम को मेजर करने के लिए, कौन कौन से एंशियंट इंस्ट्रूमेंट रहे होंगे वो हम देखते हैं वन बाय वन। ये थ्री हमने एंशियंट इंस्ट्रूमेंट देखे थे टाइम को मेजर करने के लिए। फर्स्ट वन सेंड क्लॉक, समझ में आता है सेंड का यूज होता होगा। सन डायल,
सन की रोशनी का मतलब सन की, सन का यूज होता होगा, वाटर क्लॉक मतलब वाटर का यूज होता होगा। वन बाय वन हम इसको भी समझते हैं, क्या होता है सैंड क्लॉक, सन डायल एंड द वाटर क्लॉक। ओके सो नाउ दीज आर द सैंड क्लॉक, सन डायल एंड वाटर क्लॉक। सैंड क्लॉक जो होता है, सैंड क्लॉक हमें फिगर में क्लियर दिख रहा है कि द सैंड क्लॉक विच इज यूज टू मीजर द टाइम यूजिंग द सैंड। इस तरीके से दो बल्ब होते हैं, दोनों बल्ब आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इन बल्ब्स के बीच में यहाँ पर रेत भरी जाती है जिसको हम सैंड कहते हैं। उस सैंड के एक बल्ब से दूसरे बल्ब में ट्रांसफर होने का टाइम, और इस बल्ब से उधर उस बल्ब को जब उसको उल्टा करके रख दिया जाता है ट्रांसफर होने का टाइम, इस टाइम को मीजर कर लिया जाता है तो हम उसमें से क्या निकाल पाते हैं, टाइम ड्यूरेशन और टाइम निकाल पाते हैं। सैंड क्लॉक को हम आर ग्लास भी कहा जाता है, बोलते हैं सैंड क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज अ आर ग्लास। कंसिस्ट ऑफ टू बंडल्स, सॉरी टू बल्ब्स, दो बल्ब्स होते हैं इनके बीच में और एक नैरो सेगमेंट से ये लोग जुड़े होते हैं। तो सैंड ट्रांसफर से हम टाइम को मीजर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सनडायल। दिस सनडायल, सनडायल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोजिशन ऑफ सन को इंडिकेट करता है। इससे एक स्ट्रेट लाइन होती है, सन की पोजिशन बदलने की वजह से द स्ट्रेट लाइन कास्ट द शेडो एंड स्टडी द शेडो व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द शेडो। ये शेडो हमें जो मिलती है उस शेडो की पोजिशन को मार्क करके और सन की पोजिशन पता कर ली जाती है, और इससे समय का एक अजम्पशन किया जाता है। एक्चुअली में एक्यूरेट टाइम नहीं मिलता है इन इंस्ट्रूमेंट्स से, जो कि एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, इनसे एक अजम्पशन हो जाता है टाइम पर कि लगभग इतना समय हुआ होगा। आज की डेट में सनडायल की बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर सनडायल है, जयपुर में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है एंड द मथुरा में है। नेक्स्ट इज वाटर क्लॉक। वट इज़ वाटर क्लॉक, तो वाटर क्लॉक को हम देख रहे हैं, ये वाटर क्लॉक है, इसमें वाटर का यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूसली फ्लो और रेगुलेटेड फ्लो ऑफ द वाटर को यूज़ किया जाता है टू मीजर द टाइम। सो वाटर क्लॉक अलॉन्ग विद सनडायल, ये सब के सब क्या आते हैं हमारे एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मीजरिंग द फॉर मीजरिंग द टाइम। ओके सो आई होप आपको ये टाइम मेजरिंग डिवाइसेस समझ में आए होंगे। दिस इज द पार्ट फोर, ये पार्ट फोर है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का। टू पार्ट्स और बचते हैं, पार्ट फाइव एंड सिक्स, ये दो पार्ट्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। देन आफ्टर इट्स एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशन विल बी गिवन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देयर। वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू, दैट इज इन्वेंशन मॉडर्न क्लॉक का कब हुआ था। चलिए मॉडर्न क्लॉक के इन्वेंशन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। मॉडर्न क्लॉक, तो मॉडर्न क्लॉक जो थी जो है आज यूज जो की जाती है, मॉडर्न क्लॉक हैज बीन इन्वेंटेड बाय हेनलीन कब, 1510 में। ये एक MCQ आपका बन सकता है, हु इन्वेंटेड मॉडर्न क्लॉक एंड व्हेन। हेनलीन invented the modern clock in 1510. I hope everything is clear there. This was part 4 of physical quantities and measurement. Thanks for watching. All the students, have a nice day.